इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर की कुछ अहम खबरें। बेलगाम में आज जुमा के रोज कोई भी नया मुतासिर मरीज नहीं पाया गया, पर रियासत में कुल 45 मरीजों का इजाफा हुआ। बेलगाम शहर और अतराफ की कुल तादाद 108 है। रियासत कर्नाटक में कोरोना मुतासिर मरीजों की कुल तादाद 1000 से भी ज्यादा हो गई है। आज एक अहम खबर यह भी रही कि रियासत कर्नाटक ने रोजाना 10,000 टेस्ट करने का अपना मकसद रखा हुआ है, लिहाजा आज एक ही दिन में 1200 के करीब कोविड-19 टेस्ट किए गए। जल्द नतीजे आना बाकी है। रियासत कर्नाटक के कोविड-19 के तर्जुमान के सुरेश कुमार ने बताया कि अब तक तकरीबन 7,000 से भी ज्यादा टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं। बेंगलोर विक्टोरिया अस्पताल में भी 60 साल मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की कोशिश की गई, पर यह थेरेपी नाकाम होने की बात कही जा रही है। पर इस पर कोई बात कहने से के सुरेश कुमार ने इनकार किया। बेलगाम शहर में बिना इजाजतनामा दाखिल होने पर DC SP बम्मनहळ्ळी ने सख्त कार्रवाई का इशारा देते हुए कहा कि अगर कोई बिना पास के बेलगाम शहर में दाखिल होता है तो कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर कोई छिपकर भी बैठा है तो सामने आकर अपनी ट्रेवल हिस्ट्री बताए। अगर किसी के जरिए बिना इजाजत कर्नाटक सरहद में दाखिल हुआ और इंतजामिया से राब्ता ना किया तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। वाजा रहे कि सदाशिव नगर में एक खातून जिसकी उम्र 27 साल है पॉजिटिव पाई गई है, जो हामिला थी, बंबई से आई हुई थी। 8 दिन पहले बंबई से बेलगाम के लिए इसके शौहर ने कार से सफर तय करते हुए कोकनोली नाका तक पहुंचा, लिहाजा हामिला औरत को तवील वक्त तक रोकना मुनासिब ना समझकर वहां से बेलगाम सदाशिव नगर पहुंचे। अब जब मेडिकल जांच हुई जिसमें पता चला कि बंबई से बिना इजाजतनामा यानी पास के बेलगाम दाखिल हुए हैं, इस मामले पर संजीदगी से गौर करते हुए हामिला औरत, इसके शौहर और ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज किया हुआ है। पॉजिटिव मरीजों के रास्ते में कौन कौन है इसकी भी फहरिस्त बनाई गई है, लिहाजा इन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। बेलगाम में पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर काफी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। शहर के कई सारे लॉजिस, स्कूल, शादी हॉल को भी क्वारंटाइन के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत DC बेलगाम की जानिब से दी गई है, लिहाजा मुख्तलिफ जगहों पर इसकी सख्त मुखालिफत भी देखने में आ रही है। आज फिर काली अमराई के वनिता विद्यालय में कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने की खबर ने आवाम ने मुखालफत करते हुए सम्मान होटल के नजदीक सड़क को बंद कर दिया था और वनिता विद्यालय में ना रखने का मुतालबा किया और कहा कि यहाँ किसी तरह की सहूलत भी नहीं है और अब 40 दिन के बाद काली अमराई के लोग जो गरीब हैं काम पर जा रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर किसी तरह से भी क्वारंटाइन के लोगों को ना रखा जाए। ಎಲ್ಲಾ ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. 40 ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 40 ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸೋದು ಕಠಿಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. 40 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಅವರು ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ವಿವಿಧ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಜೀವನ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನೋಡ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮ್ಚಾ ಇಥೆ ಲಹಾನ್ ಮುಲ ಆಹೆತ್, ವಯಸ್ಕರ್ ಮಾಣಸ ಆಹೆತ್, ಸಗಳೆಜಣ. ಆಮ್ಚಾ ಘರ ಇಥೆ 10 ಮೀಟರ್ ವರ ಫಕ್ತ ಆಹೆ 40 ಲೋಕಾಂಚ ಗಲ್ಲಿ ಆಹೆ, ಛೋಟಿಶಿ ಆಹೆ, 10 ಫುಟಾಚ ರಸ್ತಾ ಆಹೆ ಫಕ್ತ. ಇಥೂನ್ ಜರ ಲೋಕ ಯೇ ಜಾ ಕರಾಯಚ ಅಸೇಲ್ ತರ ಎವಡೀಚ ವಾಟ ಆಹೆ. ಆಣಿ ಇಥೆ ಜರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಜರ ಪೇಷಂಟ್ ಆಣೂನ್ ಠೇವಲೆ ತರ ಆಮ್ಹೀ ಕಸ ರಾಯಚ. ಹಾ ನಾವು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳೇಮ್ರದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟೇವಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ರೀ ನಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವೆಲ್ಲ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳೇಮ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿದೇವೆ ರೀ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ 60 ವಯಸ್ಸು ಏಜ್ ಇದ್ದವರು, ಅದ್ರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದವರು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಈ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ರಾಸಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜನನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ.
रियासत कर्नाटक में कोविड 19 का जायजा लेते हुए वजीर आला येडियुरप्पा ने तकरीबन 162 करोड़ रुपए का पैकेज सब्जी फ्रूट और पावरलूम वालों को देने का ऐलान किया। तकरीबन 50,000 हेक्टेयर में सब्जी या फल फ्रूट की पैदावार करने वाले किसानों के लिए 1 हेक्टेयर को 15,000 रुपए दिए जाएंगे, लिहाजा इसके लिए 157 करोड़ रुपए की तरतूद फरमाई गई है। वजीर आला की जानिब से मधुस्वामी ने कहा कि इससे पहले किए वादों को मुकम्मल करने की कोशिश भी की है। ऐसा सहाफियों से मुखातिब होकर कहा, इससे पहले भी वाशरमैन नाईक ऑटो रिक्शा वालों तक 5,000 रुपए नुकसान भरपाई के तौर पर दिए जाने की बात कही जा रही है। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।